तुलसी जी का पौधा। पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र में से उत्पन्न हुआ। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, पर अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उनके राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जय तुलसी माता, जय तुलसी मैया, सबकी रक्षा करना। आप सभी को देव उठान एकादशी व श्री तुलसी माता विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी सुखी स्वस्थ व आनंदित रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु बने पत्थर के शालिग्राम। इस साल देव उठानी एकादशी 15 नवंबर यानी आज पड़ रही है। इस दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसमें जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक अपनी भक्त के साथ छल किया। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर पत्थर का बना दिया, लेकिन लक्ष्मी माता की विनती के बाद उन्हें वापस सही करके सती हो गई। उनके राख से ही तुलसी जी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालिग्राम के विवाह का चलन शुरू हुआ। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय शालिग्राम जी, जय तुलसी माता, जय शालिग्राम जी।